गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपके पास लेके आ रही हूँ यूजीसी नेट वेमेन स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर। आज हम कर रहे हैं जून 2014 का पेपर, जिसका पहला क्वेश्चन है एमर्जेंस ऑफ वेमेन स्टडीज़ एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज़म। अब हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिबरल फेमिनिज़म एडवोकेट्स इंडिविजुअलिज्म, रैशनैलिटी, डिस्ट्रक्शन, रेडिकल चेंज। इसका आंसर है हमारा आंसर डी, जिसका मतलब है कि लिबरल फेमिनिज्म इंडिविजुअलिज्म और रैशनैलिटी दोनों को एडवोकेट करता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, विच पॉलिसी हैज़ इनिशिएटेड सेंटर फॉर वेमेन स्टडीज़ इन इंडिया, नेशनल पॉलिसी ऑन वेमेन एम्पावरमेंट, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन पॉवर्टी। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ इंडियन रेलवे ममता बनर्जी, फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीबी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजनी नायडू, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इज मायावती। तो यहाँ हमारा सही आंसर है डी, दैट मीन्स कि फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इज नॉट मायावती। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमारा है टुडे द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट विच हैज स्प्रेड टू वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। इसका रीजन हमें दिया है, इन इंडिया वी हैव अ सिंगल कोहेसिव मूवमेंट इन कंट्री। तो इसका हमारा क्वेश्चन आंसर है सी, इसका मतलब है ए तो करेक्ट है लेकिन आर उसका रीजन नहीं है, आर रॉन्ग है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज इनिशिएटेड बाय द यूजीसी न्यू दिल्ली टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस। तो यूजीसी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए क्या शुरू किया था, सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप प्रोग्राम, राजीव गांधी फेलोशिप प्रोग्राम, सक्षम प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम शुरू किया था, तो यहाँ हमारा आंसर है सी, तो यहाँ पे उन्होंने सक्षम प्रोग्राम शुरू किया था। अब हम चलते हैं अपने सेवंथ अगले क्वेश्चन पर, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। हमें यहाँ पे चार बुक्स दिए हैं और उनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमें उन्हें अरेंज करना है। द सब पहली बुक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, द सेकेंड सेक्स, फेमिनिन मिस्टीक, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। यहाँ पे हमारा आंसर है बी, इसका मतलब सबसे पहले जो बुक छपी थी वो है ए, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, दूसरी बुक है हमारी द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, तीसरी बुक छपी हमारी द सेकेंड सेक्स, और सबसे लास्ट में फेमिनाइन मिस्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, हु सेड द फेमिनिस्ट हैड डिस्ट्रॉयड द ओल्ड इमेज ऑफ वुमेन बट दे कुड नॉट इरेज द हॉस्टिलिटी द प्रेजुडिस एंड द डिस्क्रिमिनेशन दैट स्टिल रिमेन्ड। मार्गरेट फुलर, लिंडा फेल्प, बैटी फ्राइडमैन, सैंड्रा एल बार्की। तो इसका सही आंसर है हमारे पास सी, ये हमें कहा था बैटी फ्राइडन ने। नेक्स्ट, द डैमिटिफिकेशन ऑफ लॉ फॉर वुमेन हैज बीन ए ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑफ, ये किसका वर्क है हमें ये बताना है, फेलिवा, फ्लेविया एग्नेंस, नंदिता हास्कर, लौतिका सरकार, एस्टर बोजरम। तो इसका हमारा सही आंसर है बी, ये
नंदिता हस्कर का वर्क था. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. रूप कंवर केस, मथुरा रेप केस, विशाखा केस, शक्ति मिल रेप केस. अब हमें बताना है कि ये केस कौन सा केस सबसे पहले हुआ था. तो इसका आंसर है हमारा सी, सबसे पहले है मथुरा रेप केस, देन रूप कंवर केस, देन विशाखा केस, देन सबसे एंड में शक्ति मिल रेप केस. इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है. अगली वीडियो के साथ मैं आपके पास बहुत जल्दी आऊंगी. तब तक के लिए गुड इवनिंग.